आज का रेसिपी है अरवी पत्ते का पकौड़ा। और इसको बारीकी काट लेंगे ऐसे। इस तरह से हम अरवी पत्ते को बिल्कुल बारीक काट लेंगे। अरवी पत्ते काटने के बाद अब हम प्याज को काट लेंगे। प्याज को भी बिल्कुल बारीक काट लेंगे। अब आलू को काट लेंगे। आलू को भी हमें बारीक काटना है। अब हमारा ये मिश्रण तैयार है। आलू, प्याज और जुड़ी पत्ता को काटने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसके बाद हम पेस्ट बनाएंगे। अदरक, हरी मिर्च, लहसुन, इन तीनों का पेस्ट बना लेंगे। ये पेस्ट अब बिल्कुल तैयार है। ये अदरक लहसुन का जो हमारा पेस्ट है वो अब इसमें हम डाल देते हैं। और इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून गोल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और आप स्वादानुसार नमक डाल सकते हैं और 2 बड़े चम्मच बेसन की ले लेंगे। और 3-4 घंटे पहले भिगोया हुआ चना इसमें हम डाल देंगे। अब सबको हम ऐसे मिक्स कर लेंगे। आइए अब हम चटनी बना लेते हैं जो पकौड़े के साथ खाने वाले हैं। तो 1 टमाटर ले लिए और 3 से 4 के लिए लहसुन का, और फिर आप जितना तीखा खा सकते हो उतना मिर्चा ले लीजिए, और ये हम आमचूर ले लिए हैं। तो आइए इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं और फिर हम थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर देंगे। तो अब इसको हम पीस लेते हैं। ये देखिए हमारी चटनी बिल्कुल तैयार है। कढ़ाई अब गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम मस्टर्ड ऑयल डाल लेंगे। और अब जो हमने मिश्रण बनाया था उस मिश्रण का गोला बनाएंगे और प्रत्येक गोले को एक एक कर डालेंगे। इस तरह से हम इसको उलट पुलट कर अच्छे से पका लेंगे। ये पकने के बाद ब्राउन हो चलेगा। ये वीडियो जो अगर आपको पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखिए इसके कलर में चेंजेज आ गई है। ये ब्राउन हो गया है यानी कि ये पक चुका है। अब इसे निकालते हैं। ये हमारा गर्मा गर्म अरवी पत्ते का पकौड़ा तैयार है। अरवी पत्ता या जुड़ी पत्ता और उसके साथ है ये टेस्टी चटनी। ऐसे ही तरह तरह की रेसिपीज़ को सीखने के लिए हमारे 0 माइल चैनल के खाना वाना प्लेलिस्ट में जाएं। जय हिंद।